सबसे पहले मैं नटरंग जम्मू को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बालवंत ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने लोगों से कुछ बातचीत करूँ। मुझे नहीं मालूम कि इंटरनेशनल थिएटर लेवल पे जो बाहर के लोग हैं उनको मेरी बात या मेरी यात्रा में कितना इंटरेस्ट होगा, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं जिनके साथ मैं पला बढ़ा हूँ, जिनके साथ मैंने काम शुरू किया है, उनको शायद ये सारी जो मैं बातचीत करूँगा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आप बलवंत जी ने बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट रखा इस टॉक का कि मतलब व्हाट इज़ योर विजन ऑफ थिएटर। विजन ऑफ थिएटर ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम स्टिल ग्रैपलिंग विद सर्टन डिफरेंट ईडियम्स ऑफ थिएटर। मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हर कोने में अलग अलग तरह का नाटक होता है, और ये पता करना कि भाई मैं कौन से ईडियम को इस्तेमाल करूं और मेरा विजन क्या होगा, अभी भी मैं उस पशुपेश में हूं कि किस तरह से अपने थिएटर को हम आगे बढ़ाएं। इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाने की बहुत ज़रूरत है। वो ये है कि देखिए, हम तो आज़ादी के बाद के लोग हैं, हमको जो आज़ादी के बाद जब हमको जो कुछ प्लेटर में मिला हमने उसी को ग्रहण किया, उसी को एक्सेप्ट किया और उसी को हमने अपना मान के हम आगे बढ़ गए। मेरा कहने का मतलब है कि जब पहली बार मैं कश्मीर में, आप सबको मालूम है मैं कश्मीर में पैदा हुआ हूँ, और वहाँ जब पहली बार मैंने एक थिएटर स्पेस देखी तो वो था टैगोर थिएटर। तो थिएटर स्पेस पहला जो मेरी लाइफ में आया तो टैगोर थिएटर था, और मुझे लगता है ऐसे बहुत से लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई थिएटर स्पेस सामने आया तो टैगोर थिएटर ही था। और मैं जम्मू और कश्मीर, ये दो, एक पहाड़ के उस तरफ और पहाड़ के इस तरफ हमारे स्टेट के दो हिस्से हैं, तीसरा हिस्सा लद्दाख है, लेकिन दोनों हिस्सों का, जम्मू का और कश्मीर का, मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा बहुत प्रभाव है, और आज जो कुछ भी मैं हूँ इन दोनों चीज़ों की वजह से हूँ। मैंने अपनी शुरुआत कश्मीर से की और उसके बाद मेरी ज़िंदगी को जो दिशा दी उसमें जम्मू का बहुत बड़ा योगदान है। वो इस तरह से क्योंकि आपके जम्मू के श्री महेंद्र प्रताप शर्मा, एमपी शर्मा, आप सब जानते होंगे उनको, कवि रतन शर्मा आप जानते हैं, उन लोगों ने मुझे इंस्पायर करके ये कहा कि तुमको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहिए और ड्रामा की ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो इसलिए जम्मू का मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ कि अगर उन लोगों ने मुझे इनक्रेज नहीं किया होता, मुझे आगे नहीं बढ़ाया होता, तो शायद मैं जो कुछ भी आज हूँ तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। इसलिए जम्मू मेरे लिए बहुत अहम है, और उसके बाद बलवंत ठाकुर जी हैं, और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी है, जो जिसने मुझे जम्मू से मिलाया है, जिसने मुझे मुझे जम्मू से इतने जोड़ा है, वो है सुनील पालवाल। बहुत बड़े ब्रिलियंट एक्टर हैं जो कि नटरंग से जिनकी शुरुआत हुई और आजकल हमारे साथ सुरन में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता चल रहा है। अब बात हम करते हैं कि भाई विजन थिएटर की क्या है। देखिए, हमने क्या किया अब तक ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग के बाद, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, उस जर्नी जहाँ जहाँ कोई जिक्र आएगा उस वक्त मैं उसकी बात करूँगा, लेकिन बात यह है कि थिएटर का विजन, थिएटर की दो चार चीज़ें मैं बताऊँगा, उसी को लेकर हम बात करेंगे कि थिएटर हैज़ टू प्रवोक, इट हैज़ टू आस्क क्वेश्चंस, इट हैज़ टू बी वेरी क्लोज टू द सोसाइटी यू आर एक्चुअली डूइंग थिएटर विद, एंड थिएटर हैज़ टू शो टू पीपल वॉट इज़ नॉट बीन सीन बाय देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आखिरी बात है कि थिएटर हैज़ टू शो समथिंग टू द सोसाइटी विच इज़ नॉट बीन सीन, ये बहुत बड़ा काम है थिएटर में। क्योंकि देखिए, इसका मतलब, इसको मैं समझाऊंगा ऐसे आपको कि देखिए, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब तक वो चीज़ें हमको हमारे सामने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं की जाती है, जिनके बारे में, जिन चीज़ों के बारे में हमको बताया नहीं जाता है, जिन पे डिस्कशन नहीं होता, तब तक हमको रियल ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में वो सारी बातें समझ में नहीं आती है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जब तक हम आजकल अर्णव गोस्वामी के डिस्कशंस या दूसरे चैनल पर जो डिस्कशंस होते हैं, तो जो पॉलिटिकल हमारी जो सिचुएशन है देश की या सोशल सिचुएशन है, उस वो कहाँ से कहाँ जा रही, वो तब तक उनको समझ नहीं आती जब ये डिस्कशंस हम नहीं सुनते हैं। इसी तरह से थिएटर का बहुत बड़ा महत्व यह है, थिएटर का बहुत बड़ा काम यह है कि जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं अपनी रियल ज़िंदगी में, वो चीज़ हमारे सामने लाना।
और थिएटर के विजन में मैं ये मानता हूँ कि थिएटर हैज़ टू बी रूटेड, इट हैज़ टू बी रूटेड इन द सोसाइटी, जिस सोसाइटी के लिए, जहाँ जिस समाज के लिए आप नाटक करते हैं, आपको नाटक उनकी बोली में करना पड़ेगा, उनके ईडियम में आपको नाटक करना पड़ेगा, तभी वो सार्थकता होगी उसकी, तभी वो नाटक लोगों को समझ में आ जाएगा। वरना वो मतलब मैं ऐसा करूँगा कि मैं जम्मू में मैं नाटक कर रहा हूँ और कर रहा हूँ मैं शेक्सपियर का प्ले शेक्सपियर लैंग्वेज में, तो मुझे लगता है उसका असर जी नाटक तो नाटक है, जो नाटक वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा भाई ये ठीक है, लेकिन आम जनता को ये बात समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि रूट्स, सबसे बड़ी रूट्स जो है ना, ये रूट्स में रहना, अपनी भाषा में नाटक करना, अपनी अपने कल्चरल ट्रेडिशन को, अपनी फोक ट्रेडिशन को इस्तेमाल करके नाटक करना, ये एक ऐसा विजन शायद दे सकता है। देखिए मैं हबीब तनवीर तो नहीं हूँ, ना तो मैं बीवी कारंत हूँ, ना पनीकर हूँ, जिन्होंने मतलब सालों साल काम किया और एक एक थिएटर की एक लैंग्वेज को क्रिएट किया और हमेशा वो उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके नाटक करते थे। हम अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं, हम करते हैं, हम वही करते हैं, हम जब जैसे मैंने कहा कि जो हमें परोसा गया, हमारे पास मतलब थिएटर था टैगोर थिएटर, उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद आधे अधूरे, उसके बाद मतलब और इस तरह के नाटक रमेश मेहता, जो हमारे सामने आया उसको हमने पढ़ा और उसी को हमने किया और हम समझ रहे थे कि बस यही तो नाटक है, यही तो हमको करना चाहिए। आया जी आदाब, बहुत अच्छा आपने बोला कल, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे कि इस तरह से हम आगे बढ़ गए, मेरा जो मेरा एडवांटेज रहा ये रहा, क्योंकि मैं चूंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया और वहाँ एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिली 3 साल, तो ये समझ में आया कि थिएटर सिर्फ स्टेज पे जाके डायलॉग बोलना नहीं है, थिएटर कुछ और भी है। थिएटर एक पार्ट ऑफ लिटरेचर है जिसको समझना पहले तो एक्टर को ज़रूरी है, डायरेक्टर को ज़रूरी है, जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसको संप्रेषित करना, उसको उसके बाद उसको स्टेज पे ला के लोगों तक पहुँचाना, वो दूसरा काम है। तो ये जो ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत मतलब हेल्प की। दूसरी बात जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हमारी मतलब जो हमारे सुरनई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन की जो आर्टिस्टिक डायरेक्टर हिला अरुण जी, उन्होंने आपसे बात की और कई बार उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया, के रैना ने ये किया, के रैना ने वो किया, के रैना ने ये किया, मगर आज भी ऐसा होगा कि जब भी मैं अपने बारे में बात करूंगा या अपने नाटक के बारे में बात करूंगा उनका नाम ज़रूर आएगा। वो उसका रीज़न है, वो ज़रूर आना ही है, क्योंकि हम पिछले 35 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए जब भी मैं अपने काम की बात करूंगा तो उनका नाम ज़रूर आएगा बीच में। तो ये मत समझिएगा कि ये ऐसी सिचुएशन है कि शी पैट्स माई शोल्डर एंड आई एम पैटिंग हर शोल्डर, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ज़रूरी ज़रिया है, क्योंकि 35 साल 40 साल जब आप एक साथ काम करते हैं और बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेफरेंस पॉइंट्स आएंगे। इस रीज़न से इलायची का नाम कई कई बार 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 आएगा जब मैं आगे आपसे बात करूंगा। बात दरअसल ये है कि जब मैं कश्मीर से निकला, मुझे नहीं मालूम था कि मतलब जैसे कश्मीर में कोई फोक थिएटर होता है बाणपत्र, मुझे नहीं मालूम था, मैं सच बता रहा हूँ आप, मुझे नहीं मालूम था कि फोक थिएटर होता है भी क्या है। तो जब लेकिन जब ट्रेनिंग की और उसके बाद मोतीलाल केमूजी से मेरी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि बाणपत्र एक ऐसा फोक फॉर्म है कश्मीर में जिसमें मैं नाटक लिख रहा हूँ। उनके संबंध में, उनके साथ रहते रहते काफ़ी कुछ मुझे उस फोक थिएटर के बारे में, फोक फॉर्म के बारे में पता चला। महमूद सुभान भगत साहब को देखा, उनके नाटकों को देखा, तो समझ में आया कि भाई नहीं, कश्मीर में भी कुछ एक रूटेड कोई एक ऐसी चीज़ चल रही थी जिसका नाम था बाणपत्र, जो कि थिएटर है। और बाद में क्या हो, अचानक क्या हो जाता है कि जब मैं बॉम्बे पहुंच जाता हूं तो अचानक बलवंत ठाकुर जी का नाटक घुमाई देखता हूं मैं, तो आई एम कम्प्लीटली ब्लोन ऑफ कि ये जम्मू, ये नाटक बलवंत जी ने किया और ये फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म है। तो दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ शर्म भी आ गई कि देखिए कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने कभी उन पर नज़र डाली नहीं, हमने उनको देखने की कोशिश की नहीं, हमने उनको समझने की कोशिश की नहीं, हमको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको अगर हम अपने में, अपने इर्द गिर्द जो हमारे पास है उसी को संजोए, उसी को स्टडी करें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो मतलब हमको करने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। तो मैं मानता हूँ कि अगर थिएटर का विजन रखना है, तो थिएटर के विजन में अपने कल्चरल रूट्स, अपने सोशल रूट्स, अपनी लैंग्वेज, अपनी पोइट्री, अपनी लिटरेचर से सारा आपका थिएटर जो है ओतप्रोत होना चाहिए।
तभी वो एक विजन क्रिएट कर सकता है। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पहुँच जाएंगे हम, वो विजन क्रिएट कर सकता है। रिचर्ड सेक्नर ने क्या किया, ग्रोटस्की ने क्या किया, महरहोल ने क्या किया, उन इन सब लोगों ने जिनको हम पढ़ते हैं, मतलब स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ते हैं और जिनको हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने सालों साल लगाए हैं। तब एक विजन, तब एक दिशा, तब एक ईडियम, तब एक लैंग्वेज पैदा हो जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम जो है, हम अभी एक एक्सपेरिमेंटल मोड में ही है, अभी हम सोच ही रहे हैं कि मतलब क्या क्या हमारी भाषा, हमारे थिएटर, क्योंकि इंडिया इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री। इंडिया बहुत बहुत बड़ा मुल्क है, जहाँ पे आप साउथ में जाइए तो कुछ अलग ही दिखने को मिलता है और वाह 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 अद्भुत क्या बात है, आप नॉर्थ में जाइए तो अरे वाह 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 क्या अद्भुत बात है, ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, देयर सो मच इतना एनरिच्ड है हमारा ट्रेडिशन कि हमको कोई भी चीज़ उठाने में, कोई भी चीज़ स्टडी करने में, अगर हम उसको लगातार कोशिश करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं एक बात बताऊंगा बाणपोथर का। बाणपोथर जो फॉर्म है, फॉर्म बहुत स्टैटिक है, एक स्टैटिक फॉर्म है। उस स्टैटिक, क्योंकि कई लोग पिछली बार में जब आपके प्रोग्राम्स देख रहा था, सब लोग कहते थे कि ये फोक फॉर्म में नाटक कैसे लिखें। देखिए, फोक फॉर्म में नाटक कैसे लिखें, आपको पहले तो ये स्टडी करना पड़ेगा कि फोक फॉर्म में बाणपोथर में क्या वो लोग किस तरह के नाटक करते थे। वो नाटक करते थे फोक फॉर्म, एक सेटरिकल फॉर्म है, तंजिया फॉर्म है, और हर एक चीज़ तंज में ही होती थी। वो राजाओं पे भी मतलब मजाक करते थे, राजा महाराजों पे मजाक करते थे, गवर्नमेंट पे मजाक करते थे, अपने एक दूसरे के लोगों पे मजाक करते थे, अपने ट्रेडिशंस पे मजाक करते थे, सोशल जो परेशानियाँ थी, जो खामियाँ थी, उन पर मजाक करते थे। अब जब तक आप उस चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, और आपको बैठ के स्टडी करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मैं जो आजकल, क्योंकि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, मैं 70s की बात करता हूँ, 73 में तो मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया, आज 2020 है, बहुत वक्त गुजर गया, ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ गई, बहुत ही आगे बढ़ गई। ऐसे में थैंक्स बलून जी, इसलिए हमको ये देखना है कि इस फॉर्म को पहले तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी, कोई भी फोक फॉर्म, जम्मू के फोक फॉर्म के। अभी पिछली बार जब इला जी बात कर रही थी, जागरण की बात बलवंत जी कर रहे थे, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया इला जी से बाद में जब बात की कि भाई जागरण ये तो देखना चाहिए इला जी आपको, बिकॉज इला जी इज़ कमिटेड टू डू थिएटर फॉर वीमेन बाय वीमेन, और सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वीमेन के सामने लाना चाहती है स्टेज पर। मैंने कहा आपको जाना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है हमारे लिए। तो पहला जो स्टेप है विजन क्रिएट करने के लिए कि आप जिस तरह का नाटक करना चाहते हैं, आप जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले उसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, समझिए कि इस भाषा ये चलती कैसे है। देखिए, लैंग्वेज जो है वो एक दरिया की तरह चलती है, आपको दरिया का जो सफ़र है ना, जो घुमाव है, उतार चढ़ाव है, आपको उसको समझना पड़ेगा। एक स्विमर जब नदी में जाता है, स्विम करने जाता है, जब तक वो पानी के घुमाव को नहीं समझेगा, बहाव को नहीं समझेगा, स्पीड को नहीं समझेगा, स्विम नहीं कर सकता है। इसी तरह से जब आप फॉर्म की बात करते हैं, थिएटर का विजन क्या होना चाहिए, जब तक आप थिएटर की टेक्निकलिटीज़ को, थिएटर की रियलिटी को, थिएटर के उसका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसका जो पर्पस है, उसको नहीं समझेंगे तो आप थिएटर कर नहीं सकते, वो थिएटर में कोई लैंग्वेज क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहला जो स्टेप है वो ये है तो अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन करते रहिए। देखिए, हम हिस्ट्री के ऐसे मोड पे हैं, हमारे पास क्लासिकल थिएटर भी था, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि नाट्यशास्त्र क्या? नहीं है। हमारा टीटराइज वर्ल्ड में सबसे बड़ी चीज़, बड़ी किताब अगर थिएटर पर लिखी गई है तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हिस्ट्री हमारी ने ऐसा कुछ किया कि हम डिसकनेक्टेड हो गए अपने पास्ट से। अपना पास्ट जो था, हमारा जो पास्ट था, उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए, उसको हम रिलेट नहीं कर पाए। वो सारी चीज़ संस्कृत में है, संस्कृत भाषा हमको आती नहीं है, और ये भी आइरनी है कि जो कुछ मैंने नाट्यशास्त्र के बारे में पढ़ा वो अंग्रेजी में पढ़ा, या वो जो फ्रेंच राइटर्स ने उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में जो किताब मेरे सामने दे दी उसको पढ़ के हमने समझा। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, एक तो वो डिस्कनेक्ट था, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने, जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, जो कुछ उन्होंने हमारे सामने छोड़ दिया उसको हमने मतलब आत्मसात किया। जैसे कि पारसी थिएटर बहुत पॉपुलर था जब ब्रिटिशर चले गए, तो पृथ्वीराज कपूर जी ने तो पारसी थिएटर से शुरू किया, वही थिएटर वहाँ उन्होंने शुरू किया। इसी तरह से जो आपको मिल रहा है, जो भी स्पेस आपको मिल रही है, जो जिस तरह का भी एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर आपको मिल रहा है, आप काम करना शुरू कीजिए। काम शुरू करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बिकॉज थिएटर एक कॉन्स्टेंट चीज़, इट्स अ डायनेमिक फॉर्म। सबसे खूबसूरती इस थिएटर की ये चीज़ है, ये डायनेमिक फॉर्म है,
ये दिन हर दिन बदलती है। आज जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि कल के लिए वो रिलेवेंट ना हो, क्योंकि लाइफ चेंजेस, सोसाइटी चेंजेस, पॉलिटिक्स आवर ऑन हमारा जो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज होता है। जैसे एक्टिंग, द वैल्यू ऑफ एक्टिंग चेंजेस, इसी तरह आपको लगेगा कि आज से 25 साल पहले जो एक्टर्स स्टेज पर हमने देखे हैं, अब उनको अगर आज हम देखेंगे तो हमको लगेगा नहीं यार, हम उनके साथ शायद रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि द वैल्यू ऑफ एक्टिंग चेंजेस, द स्टाइल ऑफ एक्टिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। इसलिए तो जब भी आपको विजन क्रिएट करनी है थिएटर की, तो आपको ये तय करना है कि आप किस भाषा में, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अपनी भाषा में, जिस भाषा पर आपका कंट्रोल है, चाहे लोग कुछ भी कहें कि डिज़ाइन है वो है, थिएटर अभी भी एक्टर का मीडियम है, एक्टर का मीडियम रहेगा। और थिएटर में लैंग्वेज बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लैंग्वेज बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और भी चीज़ें हैं, डांस है, मतलब सिंगिंग है, लेकिन लैंग्वेज को आप जुदा नहीं कर सकते थिएटर से। इसलिए जिस भाषा में, जो भाषा आपकी ऑडियंस समझेगी, उस भाषा में आप बात कीजिए, उस भाषा को समझने की कोशिश कीजिए, उसमें क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, आपको अपना रास्ता खुद मिलेगा। आप अपनी विजन खुद क्रिएट करना चाहेंगे, आप वो खुद आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपने ये कैसे किया। जैसे कि हमने, जब मैं बॉम्बे पहुंचा, इला जी को ज्वाइन किया, सुरने थिएटर एंड फोक आर्ट्स फाउंडेशन, पहले सुरने था, तो सुरने में जब हमने मतलब नाटक शुरू किया, तो पहला नाटक मुझे याद है जेठवा, उसने एक फोक फॉर्म में था, जो राजस्थान की फोक फॉर्म है, उसमें हमने किया। उसके बाद दूसरा जो नाटक हमने किया वो जायज़ नाजायज़ था, अल्बर्ट कामो का प्ले था, टेररिज्म पे प्ले था, तो मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है, इसको करना चाहिए। तो ऑडियंस में सिर्फ 7 लोग थे, पहले शो में 7 लोग थे कि ऑडियंस आती नहीं थी, पृथ्वी थिएटर था, 200 की कैपेसिटी है पृथ्वी थिएटर की, उसमें भी लोग आते नहीं थे, 7 लोग, 10 लोग, 12 लोग, लेकिन हमने काम करना चालू किया। और बहुत बार, चूँकि हमारा जो जो सेटअप है, हमारा सुरने थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन का सेटअप है, हमने एक मतलब कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, जिसमें जैसे पहला कंपार्टमेंट है मैं हूँ, इलाजी है, अंजुला बेदी है, शिल्पा मेहता है, सलीम अख्तर है, विजय कश्यप है, स्वर्गीय वीरेंद्र राजदान थे, ये एक पहला एक कंपार्टमेंट था। उनका ये काम था कि ये डिस्कस करना, ये डिसाइड करना कि कौन सा नाटक करेंगे, क्यों नाटक ये करना चाहिए, उस पर बहुत बड़ा डिस्कशन होता था। उसके बाद हमारे यंग बडिंग एक्टर्स मतलब है राहुल बगा, सुनील पालवाल, आजकल बहुत, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, आई रियली 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 आई लव हिम, ही इज़ सो वंडरफुल। एंड बलवंत जी, आपने जो काम उनके साथ किया है और आपने जो तैयार किया है उस एक्टर को, वो तो मतलब दैट इज़ रिमार्केबल, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, एंड ही इज़ गोइंग टू गो प्लेसेस। तो इस तरह से जो दूसरे एक्टर्स हैं, राहुल बग्गा, गौरव अमलानी, अभिषेक पांडे, ये सेकेंड टीयर है, जिसमें डोना मुंशी, नैन्सी ठक्कर, ये दूसरा, उनको, उनका काम ये नहीं है, ये डिसाइड करना नहीं है अभी कि हम कौन सा नाटक करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, हम ये तय करते हैं। तो हुआ क्या, चूंकि ये इस हमारे थिएटर ग्रुप की शुरुआत इला जी ने की थी, तो इला जी, उन्होंने खुद भी अपनी मतलब अपनी अपनी भाषा में कहा था, अपनी स्पीच में कहा था, आपको किस चीज़ कमिटेड टू वीमन, शी लाइक्स टू डू प्लेज जो कि औरतों के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो हमने एक एक राह पकड़ी, चलो ठीक है, हम ऐसे नाटक करेंगे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि हिंदुस्तान में जो अभी भी जो औरत की स्थिति है वो नहीं, हम कहते हैं कि इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, अभी हमने औरत को इक्वल दर्जा दिया नहीं, और ये बहुत बड़ी त्रासदी है, औरत को हम बिल्कुल अभी भी सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं। तो मुझे उनकी इस विजन में अपनी विजन दिखी, चलो हाँ ये तो है, ये तो पर्पज है, चलो कम से कम हम लोगों को ये तो बताएं, हम औरत की बात उठा के, औरत की बात स्टेज पे ला के, कम से कम लोगों को ये अवेयर तो करें कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोशल सिस्टम में, जिसमें औरत को हमको सामने लाना चाहिए। तो ये, तो इस तरह से हम प्लेस को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यही अभी तक हमारा विजन रहा है, हम जो कुछ सोचते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, जैसे हमने इब्सन थिएटर फेस्टिवल हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, द रीज़न ऑफ डूइंग इब्सन थिएटर फेस्टिवल इज़ बिकॉज मैंने ड्रामा स्कूल में इब्सन पढ़ा था, पेगिन फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसके बाद इब्सन को पढ़ा था, कुछ समझ नहीं आया था और छोड़ दिया था। लेकिन जब हमने इब्सन थिएटर फेस्टिवल करना शुरू किया, इब्सन को दोबारा पढ़ा, जो 150 साल इब्सन ने 150 साल जो लिखा था औरत के बारे में, वो आज भी हमारी सोसाइटी, हिंदुस्तानी सोसाइटी में आज भी इतना रेलेवेंट है। मतलब पोजिशन, हम उसको राइट स्पेस नहीं दे रहे हैं, उसको अभी भी हिंदुस्तान में राइट स्पेस नहीं मिल रही, जिसके बारे में इब्सन ने 150 साल पहले लिखा था। तो हमको लगा कि ये जो नाटक है ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, और बहुत बड़े, बहुत अच्छा रिएक्शन आता है। जैसे रिसेंट हमने जो किया, और अलग अलग
अलग अलग स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में जो औरत है, हमने सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि हमने जब मरीज का किया तो एक गांव की औरत को लेके हमने वो नाटक किया, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा। हमने डॉल्स हाउस किया तो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की जो जो औरत है उसके बारे में बात की। हमने जब हैड अ गॉब्लर अब किया तो ये एक मॉडर्न बॉम्बे जैसे बिग सिटी में जो रहने वाली औरत है, जो यंग लड़की है, जो कि आजकल की लड़कियां हैं जिनको जो जब जो हमको समझ नहीं आती, आपने सुना होगा आजकल तो बहुत बड़ा मतलब केस तो चल ही रहा है, आपने देखा है कि भाई सुशांत सिंह राठौर को किसने मारा, दिया साल दिव्या को किसने मारा, या और भी कोई एक्टर्स हैं वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं। मैं हमारे पास ये सवाल उठा कि पर आखिर ऐसा है क्या कि मतलब हमारी नौजवान लोगों में, नौजवान पीढ़ी में ऐसी क्या त्रासदी है जिसकी वजह से वो लोग, सब कुछ उनके पास है, ऐसा नहीं कि मतलब वो उनके पास कुछ नहीं है, वो अपनी प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुसाइड्स क्यों होती है, क्या होता है, रीज़न क्या है? क्या ये है कि वो आइसोलेटेड न्यूक्लियर सोसाइटीज, न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं, लोग कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्या ये रीज़न हो सकता है? तो इलाजी ने प्ले पढ़ा पैडा गॉब्लर, उसने कहा ये नाटक है, इसको हम करेंगे। और ये भी बताऊँ मैं आपको, देखिए हमने हमेशा प्ले को अडेप्ट किया है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि के जी कह रहे थे कि अपनी लैंग्वेज में, अपनी मेल्यू में बात करनी चाहिए अपनी, तो हमने कभी ट्रांसलेशन नहीं किया। हमने कहा कि ये कहानी, ये जो है, ये जो समस्या है, ये जो समस्या है, उस समस्या को हम अपनी सोसाइटी में डाल देंगे, यानी कि उस कहानी को हम अपने मेल्यू में डाल देंगे, जिसको एडेप्टेशन कहते हैं। और एडेप्टेशन करने के बाद हम उस नाटक को करते हैं, और ताकि इट बिकम्स इजियर फॉर द ऑडियंसेस टू कनेक्ट एंड रिलेट। आफ्टर ऑल हम नाटक क्यों करते हैं? नाटक हम इसलिए करते हैं कि हमारे मन में कुछ चाह होती है कि हम कुछ बात जो अपनी है वो दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। थिएटर इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ ये चाह होती है, तड़प होती है एक एक्टर में, एक डायरेक्टर में, कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाए, उसके लिए एक जरिया है उसके पास थिएटर का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको एक सिनेमा भी है, टेलीविजन भी है, लेकिन थिएटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि थिएटर में डायरेक्टर हो, एक्टर हो, इमीडिएट रिस्पॉन्स है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है, उसको समझ में आता है कि मेरी बात जो है वो वहाँ तक पहुँच गई। फिल्म में ऐसा हो नहीं सकता है इनडायरेक्ट मीडियम है, क्योंकि आपने फिल्म बनाई, 2 साल फिल्म बनाई, उसके बाद फिल्म रिलीज हो गई, फिर आपको समझ रिव्यूज़ आते हैं, समझ नहीं आता कि आपने जो कहना चाहा वो फिल्म वहाँ लोगों तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो ये मैं मानता हूँ कि थिएटर का एडवांटेज है कि वो जो चीज़ है वो आपको इमीडिएट रिएक्शन वहाँ पर मिलता है। जैसे उन्होंने वो इब्सन जी की बात कही थी आपको, कि वो जो पीछे औरत आई थी उसने पूछा कि इब्सन जी ने हमारी बात लिखी है, हमारे बारे में नाटक लिखा है, हम इब्सन जी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि बाबू जी की पढ़ में इब्सन जी की तस्वीर सेंटर में हमने रख दी थी। तो कहने का मतलब है रेस्पॉन्स बहुत इमिजिएट है। दूसरी बात जो है कि मैं चूंकि मैं एक्टर हूँ, बेसिकली एसेंशियली एक्टर हूँ, बाय डिफॉल्ट से डायरेक्टर बन गया हूँ, वो उसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो डायरेक्टर कैसे बन गया मैं। तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम अगर थिएटर में है, विजन तो ठीक है, लेकिन थिएटर में सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है वो एक्टर बनना, और एक्टर बन के जीना बहुत डिफिकल्ट काम है। ये कहना, ये रोमांटिसाइज में नहीं करूँगा बात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो यात्रा जो 1973 में शुरू हो गई, और मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि दिस इज़ ए जर्नी फ्रॉम 50 पुरुषार, 50 हमारे घर का नंबर था, पुरुषार हब्बा कदल जहाँ मैं रहता था, 50 पुरुषार से जर्नी फ्रॉम 50 पुरुषार हब्बा कदल टू मलाड D102, ये जो जर्नी है उसको वाया आई थी, जैसे फ्लाइट वाया आती है दिल्ली में जो ड्रामा स्कूल था, ये जर्नी बहुत इतनी आसान नहीं थी, बहुत चैलेंजिंग जर्नी थी, बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी, मगर बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी। सबसे बड़ी बात है कि वो जो एक्साइटमेंट था उस तकलीफ में, उस परेशानी, उन परेशानियों में, जिन परेशानियों से इस जर्नी को हमने पार किया और आज हम यहाँ है, उसमें एक एक तरह का एक्साइटमेंट था जो कि हमेशा हमको अलाइव रख, जिसने मुझे हमेशा अलाइव रखा है, हमेशा ये रखा है, ये कहा है। और दूसरी बात, यू हैव टू बी ऑनेस्ट व्हाट यू आर डूइंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ग्रेजुएशन करके, मैं मतलब एमए नहीं करना चाहता था, मैंने 8-9 महीने क्या 1 साल लगभग मैं टीचर था अपनी स्कूल में, हिंदू हाई स्कूल चित्रनाथ में मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने श्रीनगर में एजीज ऑफिस में नौकरी की, 1-1.5 साल मैं वहाँ नौकरी करता रहा वो सारी, और एजीज ऑफिस में नौकरी करने के बाद मैं ड्रामा स्कूल गया। तब अब आप जान लीजिए उस ज़माने में, मैं 70s की बात करता हूँ, कि अगर किसी माँ बाप को ये पता चले कि उसका बेटा जो है नौकरी छोड़ के भांडगिरी करने जा रहा है, मतलब उस वक्त उसको भांडगिरी कहते थे हम, तो क्या हुआ होगा उस फैमिली में। बहुत बहुत डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसके बाद निकल आए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे और भी एक्टर थे हमारे इर्द गिर्द, मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है,
जिनके साथ साथ हमने काम किया। जैसे कि आया जी ने कल कहा कि बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स होते थे, मुझे याद आया, डार बिल्डिंग याद आई कि जहाँ पे 4-5 थिएटर ग्रुप थे, अलग अलग रिहर्सल्स होती थी अलग अलग ग्रुप्स की, वो सब उन सब से भी सीखा, वो सब चढ़ने के बाद यहाँ तक आप पहुँचे। ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी और एक्टर की जर्नी इतनी आसान नहीं है। और इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, विजन जो है, विजन पे हम वापस आएंगे, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं करूँ, आप एक्टिंग थिएटर में कीजिए, आप एक्टिंग फिल्म में कीजिए, आप एक्टिंग टेलीविजन में कीजिए, आप सारे मीडियम्स में एक्टिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट फील शाय, डोंट फील अपोलोजिटिक, ये कोई मतलब दादागिरी नहीं है किसी की कि अगर आप थिएटर में काम करते हैं आप बाहर नहीं जा सकते हैं, बिकॉज यू सी एज ए ह्यूमन बींग यू आर नॉट एन आइसोलेटेड मेंबर कि भाई मैं अकेला कोई आदमी हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा कोई घर नहीं, मेरा घर बाहर नहीं है, तो मैं तो नाटक कर रहा हूँ इसलिए मैं बावला हो गया हूँ, मैं छोड़ जाऊँगा। आपको तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, आप घर के एल्डर हो सकते हैं, जैसे कि मैं सबसे बड़ा बेटा था अपने घर का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे कैसे करेंगे कि जब कि आप जो हैं आप नाटक करेंगे, नाटक की 1.5 महीने की रिहर्सल आपने की, रिहर्सल की, शो भी हो गया, शो होने के बाद क्या, हाउ डज एन एक्टर सर्वाइव ऑन स्टेज। मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ कि फंड्स नहीं है, वो नहीं, ये नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज ने ये समझा नहीं है कि ये जो काम हो रहा है, जिसके लिए ये बच्चे काम कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, ये जो काम है, ये काम के लिए ये एक डेडिकेशन है, एक कमिटमेंट है, ये एक पढ़ाई है, इसमें टाइम लगता है, इसमें एनर्जी लगती है, और इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, यानी इसकी टिकट खरीदनी बहुत ज़रूरी है। आज भी जब मैंने शुरू किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहला नाटक किया, मैं बहुत ही अजीज़ दोस्त से जिन्होंने वो प्ले लिखा था, वो उस नाटक को जब पहले किया टैगोर हॉल में जब किया, तो टिकट छापी थी, मैंने 7-8 टिकट खरीद लिए थे खुद और अपने घर वालों को दिए थे। जब कर्टन कॉल आया, तो कर्टन कॉल में मैं इधर उधर कहीं नहीं देख रहा था, सिर्फ ये देख रहा था कि वो मेरे लोग जो थे वो आए कि नहीं आए, कोई नहीं आया था। टिकट देने के बाद भी कोई नहीं आया था, और आज भी वैसी स्थिति है। आप आइए, मैंने 2 बार मैं बारंगम फेस्टिवल में थिएटर में आया हूँ, लोग आते हैं लेकिन टिकट कोई खरीदेगा नहीं। टिकट खरीदने का, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये तो फोकट का, ये जो एंटरटेनमेंट है फोकट का एंटरटेनमेंट है, ये फोकट का एंटरटेनमेंट नहीं है। अपनी विजन में ये बात डालिए, आप थिएटर के विजन की बात करते हैं तो थिएटर के विजन में पहले ये डालिए, यू नीड टू एजुकेट योर ऑडियंस दैट यू गॉट टू पे फॉर व्हाट यू आर सीइंग। अगर वो 300 या 500 रुपये के टिकट, मतलब शाहरुख खान और सलमान खान और पलामान खान को देखने के लिए जा सकते हैं, और बाद में पॉपकॉर्न और वो सब खाने के बाद 1000 रुपये खर्च करके घर आ सकते हैं, एक लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए जब आप आते हैं, वो लाइव परफॉर्मेंस के लिए आप 50 रुपये 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते। ये एजुकेशन, ये भी एक विजन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा कि लोग टिकट खरीदें। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, मैं बॉम्बे में नाटक करता हूँ, और यहाँ पर एक चूंकि ट्रेडिशन रहा है थिएटर का, मराठी थिएटर का, गुजराती थिएटर का ट्रेडिशन रहा है, टिकट बिकती है, टिकट खरीदी जाती है, तब भी दिक्कत होती है, हिंदी थिएटर में अभी भी दिक्कत होती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी का नाटक का कोई मतलब न सुर है न ताल है, कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कोई, अगर आप किसी भी कॉरपोरेट हाउस के पास जाएंगे, कहेंगे कि भाई हमें नाटक करने जाते हैं, मैं समझता हूँ, मैंने ये दर्द भोगा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दर्द भोगा है। मैं और इलाजी थैला लेकर जब जाते थे एक एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, कॉरपोरेट हाउसेस में, ये कहने के लिए कि ये नाटक हम हिंदी में करना चाहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, भले इस नाटक को आप एनकरेज कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कोई नहीं करता था, अंग्रेजी प्ले को कर लेते थे। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश थिएटर, लेट मी टेल यू दिस, इट इज़ नॉट, वो भी एक थिएटर है, बहुत अच्छा थिएटर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सौतेला व्यवहार क्यों? लैंग्वेज सारी हमारी अपनी है, खासकर हमारी अपनी हिंदी लैंग्वेज है, ये मैं बार बार कहूँगा, उसको सपोर्ट क्यों नहीं? और उसके बाद मैं आऊँगा अपनी मातृभाषा पे, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि अपनी मातृभाषा में नाटक कीजिए, पहले ये विजन में डाल दीजिए कि हम ये, इसके लिए कोई वाया मीडिया ढूंढना पड़ेगा आपको। आप हर, अगर आप ये सिस्टम चलाएंगे कि भाई हमको थिएटर फेस्टिवल करना है, हमको नाटक करना है, और हमको तो भैया लोगों को बुलाना है, फ्री रखो, दरवाज़ा खोल के रखो, लोग आएंगे, कभी भी एक्टर को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और थिएटर पनपेगा नहीं, थिएटर बिल्कुल नहीं पनपेगा। अगर थिएटर को आगे बढ़ाना है, थिएटर की विजन क्रिएट करनी है, आपको पहला काम आपका है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू टेल द ऑडियंसेस, यू बेटर बाय ए टिकट एंड देन सी मी ऑन स्टेज, सी मी व्हाट आई एम डूइंग। मैं कोई फालतू का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, एक लिटरेचर का काम कर रहा हूँ, उसको देखने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। टाइम तो खर्च कर रहे हैं,
लेकिन पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये पहली बात हमारे अपनी विजन में आपको डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आपको ये पता, मैं एक्टरों से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगर मेरी बात में कुछ दम हो तो आप उसको याद रखिएगा, ये इट विल हेल्प यू। आपको एक्टर बनने के लिए NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या किसी इंस्टीट्यूट या किसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट मी टेल यू दिस, पहली बात तो ये है कि आप अपनी जगह पर भी नाटक कर सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। हर एक आदमी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं जा सकता, हर एक आदमी को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता, हर एक आदमी जम्मू से या कश्मीर से बॉम्बे नहीं पहुँच सकता, नहीं पहुँच सकते, इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो जाना चाहता है उसको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाइए, आप में पैशन है, आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल बेखटके आप कहिए, हाँ आई वॉन्ट टू वर्क इन फिल्म, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क इन थिएटर, आई वॉन्ट टू वर्क इन फिल्म, यू आर एन एक्टर, गो एंड वर्क इन फिल्म, नो प्रॉब्लम, ट्राई योर लक देयर। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये याद रखिए कि एक्टर की लाइफ लिमिटेड होती है, एक्टर की लाइफ लिमिटेड होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्टर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, आपने देखा होगा हर एक्टर, दिलीप कुमार साहब भी आज घर बैठे हैं, दिलीप कुमार साहब भी एक टाइम आ गया कि लोगों ने कहा रहे बहुत हो गया है, बहुत बोर कर रहे हैं, मतलब उस एक्टर जिसको राजेश खन्ना कहते हैं, मैं फिल्मों के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को शायद आसानी से समझ आएंगी। एक ज़माना था जब राजेश खन्ना की फिल्म देखने के लिए मैं सर्दियों में श्रीनगर से जम्मू आया था देखने के लिए कि आराधना की पहला शो देखो, वो सुपर जुबली स्टार, वो सुपर स्टार राजेंद्र कुमार, वो सुपर स्टार भी एक वक्त पे बोर होने लगे, लोग देखना नहीं चाहते थे उसकी फिल्में। बिकॉज क्या होता है कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं, ये त्रासदी है हमारे हमारे प्रोफेशन की, कि एक पॉइंट पे हम पुराने हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि वेस्ट में, यूरोप में एक्टर्स जो है, जो ग्रेट एक्टर्स हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, बहुत कम काम करते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग, कई लोगों ने ये कहा कि थिएटर 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 में काम करने वाले वो टीवी में क्यों जाते हैं, अरे जाना कहाँ जाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे, खाएंगे कैसे, उनको जाना चाहिए। जब वेस्ट में एक्टर जाता है वो फिल्म में भी काम करता है, टेलीविजन में भी काम करता है, थिएटर में भी काम करता है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये कौन सा एक नया आपने कानून निकाला है कि नहीं भैया ये तो नहीं कर सकता। आप बिल्कुल करिए, डंके की चोट पे गए, मैं आज कहता हूँ डंके की चोट पे गए अगर आपको सर्वाइव करना है एज एन एक्टर, वरना क्या होगा, आप कुछ समय पर एक्टर एक्टर बनते रहेंगे, उसके बाद आप छूट जाएंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे। अगर आपको एज एन एक्टर जिंदा रहना है तो आप पहले, अगर देखिए आपका टैलेंट अच्छा है, आप सुनील पालवाल कैसे पहुँच गए बॉम्बे, सुनील पालवाल पहुँच गए ना आपके नटरंग के, इतने वेरी फाइन एक्टर पहुँच गए ना, बिकॉज टैलेंट है, टैलेंट बताता है, टैलेंट आपको खुद पहुँचाता है वहाँ पर। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में मतलब कुछ भी मतलब क्रिएटिव फैकल्टी है, आपकी अपनी काबिलियत आपको खुद ही पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी। देखिए आज मैं मतलब ऐसा है, मैंने जब ड्रामा स्कूल ख़त्म किया, रेपर्टरी छोड़ दी, फिर रियलाइज हुआ कहाँ जाऊँगा मैं, तो मतलब इट वॉज़ ए डेस्टिनी दैट आई हैड टू गो टू कम टू बॉम्बे, बिकॉज गोविंद अलानी साहब आ गए, उन्होंने वो मेरे प्लेस देखते थे, श्याम बेनेगल मेरे प्लेस दिल्ली में देखते थे, उन्होंने हमको देखा था, वो फिल्म बना रहे थे एयरफोर्स पे, तो उन्होंने कहा तुम ये काम करो, तो आई हैड टू गो टू कम टू बॉम्बे, आई केम टू बॉम्बे, फिर मैंने श्याम बेनेगल की फिल्म की, फिल्में बन चलती रही, पैसा मिलता रहा, और पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिला, 15,000 रुपये मिलते थे फिल्म करने के, शाम 8 सिनेमा में, उसको 8 सिनेमा कहते थे, 15,000-20,000 से ज़्यादा कभी पैसा मिला नहीं, लेकिन पैसा मिला तो एक सर्वाइवल किराए देने का पैसा तो मिला, यू नो, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। और हम जो हम पहुँच गए वहाँ पे, उसके बाद, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिसका मुझे गर्व है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने थिएटर एक दिन भी नहीं छोड़ा, थिएटर एक दिन भी नहीं छोड़ा। आई वॉज़ वेरी लकी that when I came to Bombay, I met Ila Arun, क्योंकि क्या होता है कि जब ख्यालात मिलते हैं तो मतलब फिर रास्ता कोई आपको रोक नहीं सकता है, कि बिकॉज वी वेर ऑन द सेम पेज। मैंने उनसे बात की, उनके थिएटर के बारे में जाना, वो क्या करना चाहती हैं, और मुझे लगा क्योंकि मेरे पास और भी NSD के सीनियर्स थे यहाँ पे, ओमपुरी थे, नसीरुद्दीन शाह साहब थे, और भी बहुत लोग थे, नादिरा जहीर बब्बर थी, बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आकर नाटक करो, बिकॉज मैं कुछ अलग रास्ता चुनना चाहता था, जिसको विजन कहते हैं ना, जो मतलब विजन से डर लगता है कि मतलब व्हाट इज़ द विजन ऑफ योर थिएटर, आपको ऐसा डरने की बात नहीं, आपको एक रास्ता चुनना है कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, कैसा काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि इला जी जो है वो ऐसा काम करती है जो कि मेरे मन के मुताबिक है, क्योंकि मैंने ये तय किया था, मेरे गुरु अलका जी साहब ने मुझे, जब मैं ड्रामा स्कूल से निकला, रेपर्टरी से निकला, आई वेंट टू हिज हाउस, तो मैंने कहा सर मैं तब जा रहा हूँ, अब बॉम्बे जा रहा हूँ, तो मुझे बताइए।
तो उन्होंने मुझे कहा, देखो ऐसा है कि एक काम हमेशा याद रखना, जो काम तुमने एनएसडी में किया है उसको रिपीट मत करना। इफ यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एंड इफ यू हैव टू प्रूव दैट यू आर केपेबल ऑफ समथिंग, डू समथिंग डिफिकल्ट एंड डू समथिंग न्यू। ये बात आज तक मुझे याद है, हमारी रेपेट्री में जो हमने सुरने थिएटर एंड फोकार्ट फाउंडेशन में जो हमने काम किया है, एक भी नाटक नहीं है जो मैंने एनएसडी में किया हो और मैंने रिपीट यहाँ किया। सारे नाटक जो है नए हैं, फ्रेश है, हमेशा नए नए सब्जेक्ट्स को उठाते हैं, नए मतलब चीज़ को उठाते हैं, रूबी नमस्कार, तो और नए काम को करते हैं और वही उसमें डिफ़िकल्टीज भी आती है और वहीं पर आप अपने आप को परख भी लेते हैं। जब तक आप डिफ़िकल्ट काम नहीं लेंगे तो अपने आप को परखेंगे कैसे? आपको अपने आप को परखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। थिएटर ये जो चीज़ है, आप कहीं भी किसी भी जगह, ये सबसे बड़ी चीज़ है, किसी कहीं भी किसी भी जगह नाटक कर सकते हैं कल को। और अगर आप नौकरी करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जम्मू में है आप नौकरी करते हैं, आप सुबह 10 से 5 की नौकरी करते हैं, आप आराम से जिंदगी भर नाटक कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। और अगर आपके काम में दम है, अगर आपका काम ऐसा है, तो आप ऑटोमेटिकली आपको खुद खींच के ले जाएंगे लोग जहाँ के लोग एक्चुअली जाना चाहते हैं, फिल्म में जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, खींच के ले जाएंगे, वो कोई रोक नहीं सकता। ये एक नेचुरल, ये लॉ है, एक नेचुरल लॉ है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बलवंत जी का नाम बार बार इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बलवंत जी नटरंग से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया। बलवंत जी का मैं बहुत बड़ा, वो उम्र में उससे छोटे होंगे मुझे पूरा यकीन है, और वो जो है वो मैं उनका मुरीद कैसे हो गया, पहला बात तो जो मैंने कहा घुमाई देखा तो मैं तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन, द काइंड ऑफ फॉर्म एंड वट काइंड ऑफ अ प्ले ही डिड, दिस वॉज अनबिलीवेबल। विक्रांत एक्टर है था, आई कैन नेवर फॉरगेट हिज परफॉर्मेंस टिल डेट। और इस तरह के काम एक बार होते हैं, ये बार बार नहीं होते हैं इस तरह के काम, ये जिनको क्लासिक्स कहते हैं, ये क्लासिक्स, ये एक इवेंट होता है जिंदगी में, एक इवेंट होता है जो हो जाता है, यू नो, वो बार बार नहीं होता। तो वो जो चीज़ है। और फिर मैं क्या होता था कि क्योंकि मैं जम्मू में रह रहा हूँ, आपको सबको मालूम है कि हम तो अब जम्मू में रह रहे हैं, जम्मू में जब भी मैं जाता था जम्मू, तो मैं अखबार देखता था, तो अखबार में देखता था कि नटरंग जो है आज उनका ये वीकेंड थिएटर हो रहा है, ये प्ले हो रहा है। एक बार देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, ये काम करें। बट जब जब गया, मेरा पहला काम यह होता था कि उस पेपर को मैं खोलूँ और देखूँ, एंड देयर वॉज अ न्यूज़ ऑफ नटरंग। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू बलवंत जी, यू हैव डन अ ह्यूमन सर्विस टू थिएटर ऑफ जम्मू। मतलब ऐसा काम आपने किया है, इस काम की कीमत, इस काम का वैल्यू जो है वो आज से 50 साल बाद लोगों को समझ में आएगा कि आपने जो नींव, जो विजन की बात कर रहे हैं, वो एक नींव डाल रहे हैं। मतलब विजन क्रिएट करना होता है, एक घर खड़ा करना। और बलवंत ठाकुर जी ऐसे शख्स है जिन्होंने नींव डाली है थिएटर की हिंदी, मतलब जम्मू में, जहाँ पे रेगुलर लोग अब नाटक आहिस्ता आहिस्ता देखने आते हैं। मुझे नहीं मालूम टिकट खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, लेकिन लोग आते हैं क्योंकि नाटक तो होता है। और ऐसे इतने नौजवान लोगों को आपने साथ रखा है, ये विजन है, ऐसा विजन होना चाहिए। और ये विजन किसी के पास भी है, उसके विजन ढूंढने के लिए आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह है, जो मैं बात दोबारा रिपीट करूँगा विजन के बारे में, थिएटर हैज़ टू प्रोवोक, थिएटर हैज़ टू क्वेश्चन, इट हैज़ टू क्वेश्चन, थिएटर हैज़ टू बी वेरी कनेक्टेड, डीप रूटेड विद योर सोसाइटी, विद योर कल्चरल, सोशल, पोलिटिकल रूट्स। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू पोलिटिकल प्लेस, पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ यू नो थिएटर। वो पॉलिटिक्स, इंसान की जिंदगी से पॉलिटिक्स अलग कभी हो ही नहीं सकता, यू नो। लेकिन कुछ लोग चुनते हैं, दे उनकी एक आइडियोलॉजी होती है पोलिटिकल, जैसे ब्रेक्ट ने किया, ब्रेक्ट ने बिकॉज ही वॉज डूइंग पोलिटिकल थिएटर, उसने थिएटर को पॉलिटिक्स, बिकॉज दैट वॉज द पर्पज, ही चोज इट, दैट्स फाइन। ग्रोटेस्की ने जब किया, उसने कहा मैं तो फिजिकल थिएटर करूंगा, मुझे तो कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, ये तो बहुत महंगा हो रहा है, तो ही स्टार्टेड डूइंग फिजिकल थिएटर, दैट्स फाइन। यू विल ऑल्सो नो, जब आप करते रहेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे क्या है। जैसे कि आपने कई बार ये फेस किया होगा कि आप नाटक आपके सामने है, आपको सेट के लिए पैसे नहीं है, आपके पास म्यूजिक के लिए पैसे नहीं है, कॉस्ट्यूम के लिए पैसे नहीं है, तो आप बैठते हैं, आप क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, चार लोग इकट्ठे बैठते हैं, एक नया रास्ता निकालते हैं। ये खूबसूरती है थिएटर की, यही थिएटर की खूबसूरती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए,
और ये जो खूबसूरती है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि थिएटर जो है बेसिकली थिएटर एक्टर का है, आप कुछ भी कहिए, आजकल बहुत कुछ होता है, मतलब राग रंग नाच बहुत कुछ होता है स्टेज पे, लाइटें वो ये अल्टीमेटली ये सब चीज़ें इमेटीरियल हो जाती है। वो थिएटर जो है वो मीडियम एक्टर का है, एक्टर ही उसको आगे बढ़ाएगा, एक्टर उसको आगे चलाएगा। आप क्लासिकल थिएटर में देख लीजिएगा, क्लासिकल थिएटर में होता क्या था कि लैंग्वेज को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता था, वहाँ बेयर स्टेज पे काम करते थे, एम्प्टी स्टेज पे काम करते थे, वहाँ कोई स्टेज नहीं होता था वहाँ पे। और खूबसूरत देखिए, बिकॉज इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू नर्चर द ऑडियंस टू इमेजिन, बिकॉज वहाँ पे क्या होता था, एक कैरेक्टर आता था, जैसे कि विदूषक एक कैरेक्टर होता था हमारे क्लासिकल प्लेस में, वो कहता था हेलो मैं नमस्कार, मैं ये आया हूँ, मैं यहाँ इस वक्त मैं रत्नागिरी के गार्डन में बैठा हूँ, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और मुझे मतलब हाँ, हवा इतनी अच्छी चल रही है, मुझे मतलब बहुत ठंड लग रही है, कुछ नहीं होता था स्टेज पे, बट ऑडियंस बिलीव्ड इन व्हाट ही वाज सेइंग। बिकॉज व्हाई ऑडियंस बिलीव्ड, बिकॉज पहली बात तो ये है कि द रेंडरिंग ऑफ दैट एक्टर वॉज रिमार्केबल, जिस तरह से वो मतलब एक्सप्रेशन क्रिएट, वो जो क्रिएट कर रहा था वो सारी एक विजुअल को अपनी भाषा के थ्रू क्रिएट कर रहा था, दैट वॉज रिमार्केबल। और दूसरी बात ये याद रखिए आप, ये भी आप याद रखिए, बता दूंगा आपको मैं, थिएटर ऑलवेज हैपन्स इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। हमको लगता है कि थिएटर स्टेज पे होता है, नहीं, थिएटर होता है ऑडियंस की माइंड में। इसलिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने जब नाटक किया है, नाटक करने के बाद जब आपको वो एक प्रथा है कि लोग आते हैं बैक स्टेज कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, नाटक अच्छा हो तो भी मुबारकबाद देते हैं, नाटक बुरा हो तो भी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं, वो ऐसे भी होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि सर आपका नाटक देखा, और वो जो आपने बताया, वो जो आपने किया ना उस सीक्वेंस में, वो जो आपने बताया वो तो कमाल की बात थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कई बार दंग रह गया हूँ, क्योंकि 3 महीने रिहर्सल करने के बाद, एज एन एक्टर, ट्रेंड एक्टर होने के बाद, पूरी एनालिसिस करने के बाद, मैंने उस सीन को उस डायमेंशन में, उस पर्सपेक्टिव में कभी समझा नहीं, जो जिस पर्सपेक्टिव में मेरे ऑडियंस में बैठे हुए लोग आदमी ने समझा। ये है क्यों? क्योंकि जब नाटक चल रहा होता है उसके दिमाग में भी अपना नाटक चल रहा है, वो अपने आप को एक कैरेक्टर बना रहा है। आपको समझ नहीं आ रही ये बात, लेकिन ये बात सच है। जब आपका नाटक देख रहा है, और अगर आप, अगर वो नाटक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो अपने आप को उसका हिस्सा बना रहा है, और हिस्सा बनाने के बाद उसकी एक्सपीरियंस को जी रहा है, और उस एक्सपीरियंस को जीने के बाद वो आपके पास जब बैक स्टेज में आता है कहता है कि मैंने ये महसूस किया। तो ये कई बार मेरे साथ हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं हमेशा अपने एक्टरों को, मतलब अपने थिएटर ग्रुप में कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो कि ये चीज़ तो हमने सोची नहीं थी, लेकिन देखो ये क्या हमने क्या किया, और क्या चीज़ ऑडियंस तक पहुँची है, ये भी बहुत, ये मैजिक है थिएटर का, ये मैजिक सिनेमा में नहीं हो सकता, ये मैजिक टेलीविजन में नहीं हो सकता, ये सिर्फ थिएटर में होता है ये मैजिक। इसलिए थिएटर बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, मतलब एक मुझे लगता है एक मीडियम है जिसको हमको करते रहना चाहिए, उन लोगों को करते रहना चाहिए जिनको थिएटर करने का शौक है, जो करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब दुनिया के हर एक आदमी का, हमारे सोसाइटी में हर एक आदमी को आना है वो नाटक करो, नहीं ऐसा नहीं कहता हूँ, जिनको शौक है देखिए। और दूसरी हमारी डिफिकल्टी क्या है कि एक पेंटर होता है, वो अपनी पेंटिंग करता है, एक इंडिविजुअल आर्ट है, वो अपने उसने कैनवस खरीदा, पेंटिंग कर ली, आप उसके बाद रह गया, बेची, एग्जीबिशन किया। एक पोएट है, घर बैठ के अपनी फाइल उठा ली और फाइल में पोएम लिख ली, पोएम लिखने के बाद किसी ने पढ़ी, छपी, नहीं वो होता, लेकिन वो अपना काम रोकता नहीं है, वो रुक नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी उसकी सोच, उसकी समझ, उसके उसका उसके एक्सप्रेशन, और उस नोटबुक और पेंसिल का काम है, या नोटबुक या पेन का काम है, वो करता रहा। लेकिन थिएटर जब आप करते हैं, ये कलेक्टिव आर्ट है, यहाँ पे आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा, उन लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, उन लोगों का झुंड बनाना पड़ेगा जो एक जैसा सोचते हो, जिनका विजन जो बार बार कहते हैं एक जैसा हो, जो ये कहना चाहते हो कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, हम समाज से ये बात करना चाहते हैं, देखो यार हमारे सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में ये हो रहा है, इस चीज़ को लेकर हमको नाटक करना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए ये बात, तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं करना, इसलिए थिएटर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा जो काम है, हम जो जब अब तक जो, जैसे मैंने कहा, मैंने एक दिन, बार बार कहता हूँ, एक दिन मैंने नाटक छोड़ा नहीं,
मतलब मुझे लगता है कि मेरे बैचमेंट में, मेरे ड्रामा स्कूल में बहुत से ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मतलब रन डाउन एनीबडी एंड मतलब मैं अपनी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि भाई बहुत लोग हैं वो अपनी मजबूरी की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गए उन्होंने नाटक करना छोड़ दिया, फिर 20-25 साल के बाद अचानक फैशन हो गया हमारे बॉम्बे में कि मतलब चलो भाई नाटक करो नाटक करो नाटक करो, क्योंकि वो बड़े 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 स्टार बन गए थे, उनको लगा चलो ठीक है स्टार है तो हम नाटक करेंगे तो लोग आएंगे, ऑब्वियसली लोग आते हैं, जब स्टार आते हैं तो लोग भी आते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मैं कमिटेड था, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपनी फैमिली छोड़ी, किस लिए, इसलिए कि मैं नाटक करना चाहता था। और जब मैं ड्रामा स्कूल से निकला और मेरे मन में ये बात थी कि मैंने ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग हिंदुस्तान के इनकम टैक्स पेयर्स के स्कॉलरशिप पे सीखा है, आई वॉज पेड स्कॉलरशिप एंड आई हैव टू गिव बैक समथिंग टू माई कम्युनिटी, उन लोगों के पैसे जो मेरी ट्रेनिंग पे खर्च हुए उनको वापस ज़रूर कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये तो अमानत की खयानत हो जाएगी, ये तो मतलब जिसको आजकल कंगना जी कहती है हरामखोरी हो जाएगी, हरामखोरी हो जाएगी कि मतलब आपने मतलब गवर्नमेंट का पैसा स्कॉलरशिप ले लिया और बैठ गए और एक्टर बन के अपने ऐश करें, नहीं, आई वॉज क्वाइट क्लियर अबाउट इट, आई हैव टू रिटर्न बैक टू द ऑडियंस, आई हैव टू रिटर्न बैक टू माई पीपल, तो इसलिए मैंने ये तय किया कि चाहे कहीं भी मैं जाऊँ मैं कुछ भी करूँ नाटक नहीं छोड़ूंगा ना। और मैं बार बार कहता हूँ खुशकिस्मत हूँ कि एक ऐसा शख्स इलाहारूम जी के नाम से मुझे मिला और हमने मिलके इकट्ठे काम किया और बहुत अच्छा काम किया। हम देखिए मैं क्या करता हूँ कि हमारा हमारा सिस्टम क्या है, जैसे मैंने कहा कि विजन जो हमारी ये है, आई एम अ स्टोरी टेलर, आई लव टू टेल स्टोरीज एंड आई लव टू टेल स्टोरीज अबाउट पीपल, आई लव टू टेल स्टोरीज अबाउट पीपल, आवर ह्यूमन बींग्स, देयर कॉन्ट्रडिक्शंस, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट आर देयर प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई जो भी प्लेज हमने किए हैं, जो भी प्लेज अगर किसी ने हमारे देखे होंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि हम तो लोगों की कहानी कहते हैं, लोगों की कथा कहने की बात करते हैं, ऐसा नहीं उसमें हम मैथोलॉजी से लेके मतलब सुरियलिस्टिक रियलिस्टिक सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन कहानी हम कहानीकार हैं, कहानी कहानी में मज़ा आता है। मैं जो लोग पूछते हैं कभी कभी आप नाटक में कैसे आए, उसने कहा, मैं उनको कहता हूँ कि यार एक्चुअली क्या बेसिकली क्या हुआ कि वो सबकी नानी दादियाँ होती हैं बचपन में कहानियाँ सुनाती हैं, वो कहानी सुन के इतना आनंद आने लगा तो मुझे लगा मुझे भी कहानी कहनी चाहिए, कहानी कहनी चाहिए तो आई वेंट टू थिएटर। और दूसरी बात ये थी कि मुझे किसी ने एक बार ये पूछा कि मतलब भाई तुम नाटक क्यों करते हो, तो मैंने कहा बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव डिफरेंट लाइव्स, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो बेगर सड़क पर बैठा होता है उसकी व्हाट इज ही गोइंग थ्रू, मैं हमेशा ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोच रहा होगा उसकी ज़िंदगी में, जब वो शाम को घर जाता होगा और उसके घर में पैसे चावल नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, मतलब खाने को रोटी नहीं होगी, वो क्या सोचता होगा। तो इन अलग अलग जिंदगियों को जीने का एक ही मौका है, वो ये है कि आप नाटक करो, एक्टिंग करो, थिएटर करो, और वहाँ आपको ये मौका मिलता है। आपको थिएटर में ज़िंदगी में तो दोबारा मतलब रिटेक तो ज़िंदगी में मिलता नहीं, एक बार आप आए पैदा हुए और मर गए, लेकिन थिएटर में आपको रिटेक और दोबारा जीने का मौका मिलता है। और दूसरी बात क्या है, थिएटर की सबसे खूबसूरती जो है, जो एक्टरों को मैं खास कर कहता हूँ, इसलिए थिएटर की ट्रेनिंग एक्टिंग के लिए, बाद में आप कहीं भी काम करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल बी वेरी हैप्पी वेर एवर यू वर्क, लेकिन थिएटर की ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको रिटेक का मौका मिलता है, आपको अपनी अपनी जो स्किल है उसको बढ़ाने उसको ठीक करने का मौका मिलता है बार बार, क्योंकि आप उसी नाटक के 25 शो 30 शो 50 शो 60 शो करते हैं और हर शो में आप अपने आप को इम्प्रूव करके देखना चाहते हैं, आपके डायरेक्टर जो है वो आपको कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये गलत हुआ था इसको ठीक करना है, या आपको खुद एहसास होता है कि नहीं यार मुझे लगता है कि ये जो मैंने इस तरह से जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, इस तरह से मैं जो डायलॉग बोल रहा हूँ ये करेक्ट नहीं है, इसको इस तरह से बोलना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग के लिए, अपने आप को एक एक्टर को ट्रेन करने के लिए थिएटर की ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहीं भी जाइए आप, मीडियम्स अलग अलग हैं, वो आप समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। आप थिएटर से गए, फिल्म में जाएंगे, कैमरा के सामने आएंगे, एक दिन लगेगा, एक साल लगेगा, एक फिल्म लगेगी, यू विल अंडरस्टैंड द मीडियम एंड यू विल गो ऑन, यू नो। इसी तरह से टेलीविजन क्लोजअप मीडियम में आपको समझ में आ जाएगा, आप उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जो हमारा जो विजन था, बेसिकली हम वी वर वांटिंग टू टेल द स्टोरीज ऑफ पीपल हु आर सो क्लोज टू अस, पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम अस, बिकॉज वी वांट टू नो देम। इसलिए हमारा पहला प्ले जो इलाजी ने लिखा, रियाज, दैट इज द ओरिजिनल प्ले इलाजी ने लिखा, दैट वॉज अबाउट अ मैन वुमन रिलेशनशिप। अब देख लीजिए कैसे होता है, मैन वुमन रिलेशनशिप अबाउट टू पीपल, वन इज अ थिएटर डायरेक्टर एंड अदर इज अ सिंगर, बिकॉज कहीं ना कहीं हम तो आर्टिस्ट थे ना, तो अपनी ज़िंदगी को हम मतलब खंगालना चाहते थे, हम देखना चाहते थे हम किन क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत नाटक लिखा जिसमें उन्होंने म्यूजिक का मेटाफर इस्तेमाल किया, रियाज के नाम से उसको कहा, और हमने हमने एक मैन वुमन रिलेशनशिप पे वो नाटक हुआ। इस तरह से
जो हमारा विजन जो है अभी तक मैं कह रहा हूँ, विजन कीप्स ऑन चेंजिंग एंड विजन विल ऑलवेज चेंज बिकॉज यू विल ग्रो. आई वोंट से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी कांस्टेंट है. हर दिन, हर बार आप हर दिन जब नए दिन जब आप उठते हैं, एक नए आदमी बन के उठते हैं, एक नया अनुभव आपको उन पिछले 24 घंटों में जो अनुभव आपको हुआ होता है वो आपको एक नई चीज़ सिखाता है. तो विजन भी बदलता है, लेकिन रास्ता तो कोई चुनना पड़ेगा, रास्ता तो कोई चुनना पड़ेगा. चूंकि हमारे पास रास्ता ये था, हमने ये डिसाइड किया, हम ये करेंगे, हम लोगों के बारे में नाटक करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में नाटक करेंगे. दैट्स वाई, जैसे कि एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे इरा जी ने प्ले पढ़ा और शी वेंट अमेरिका एंड शी रेड अ प्ले एंड शी टू कॉल मी फ्रॉम देयर कि प्ले है तो ये करना पड़ेगा. मैंने कहा क्या है? उसने कहा बेबीज ब्लूज. समझ नहीं आया, मैंने कहा वो आ गई तो बेबीज ब्लूज एक ऐसा नाटक है. दिस इज अबाउट पोस्टमार्टम डिप्रेशन. पोस्टमार्टम डिप्रेशन आपको सब बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि जब औरत गर्भवती होती है, बच्चा उनकी पेट में होता है, तो शी गोज सम साइकोलॉजिकल क्राइसिस के थ्रू हो जाती है. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एवरीथिंग अबाउट हर इज चेंजिंग फिजिकली. देर इज अ फिजिकल चेंज, देर इज अ साइकोलॉजिकल चेंज, देर इज अ मेंटल चेंज, एंड शी गेट्स डिप्रेस्ड. अगर उसको आम भाषा में समझूं, वो उस डिप्रेशन को, डिप्रेशन अलग अलग तरह के कहते हैं, उस डिप्रेशन को पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं. और उसके बारे में लोगों को, हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं है पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है. और ये इतनी इतनी इंपॉर्टेंट बीमारी. जब मैंने प्ले पढ़ा थिएट्रिकली इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज ग्रेट. देन वी वेंट, इलाजी गई, साइकेट्रिस्ट से हमने बात की कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन हमको समझाइए ये क्या होता है. उन्होंने समझाया एंड शी टोल्ड इलाजी दैट यू वोंट बिलीव दैट 70% ऑफ वीमेन हु कम टू मी दीज डेज आर सफरिंग फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन. जब हमको ये लगा तो हमको लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको अपने जनता को, हमारे ऑडियंस को बतानी है. बस यही है, ये विजन, ये चीज़ है. हमने लगा कि हमको लगा कि ये हमको कहना पड़ेगा, ये बात हमको लोगों को कहनी पड़ेगी कि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. उसका कारण है बिकॉज देखिए न्यूक्लियर सोसाइटीज़ हो रही हैं. एक ज़माने में क्या था कि हमारे घर में एक जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में 15-20 लोग होते थे. मतलब लोगों को पता नहीं, हमारी बहू को, बेटियों को पता भी नहीं चलता था कि बच्चा कब हुआ, कब वो बड़ा होगा, कब, क्योंकि नानी दादी चाची मामी उसको खिलाती थी पिलाती थी, पता नहीं था. और ये प्रेशर जो था ना, बच्चा पालने का प्रेशर, उस मतलब उसको उसको सहने का जो प्रेशर था, उस औरत पर नहीं पड़ता था एक जॉइंट फैमिली में. जब जो ही न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी, लोग अलग अलग जाने लगे मजबूरी की वजह से, नौकरियों की वजह से, कोई कहीं है, कोई कहीं है, दो ही लोग हैं, अचानक सारी चीज़ें करनी है और उनको समझ नहीं आता कि हम अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं एंड हाउ दिस डिप्रेशन स्टार्ट्स क्रीपिंग इन. इसलिए वो जो कम्युनिकेशन की बात बार बार कहती थी राजी कि कम्युनिकेट करना इतना ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना इतना ज़रूरी है, दिस कम्युनिकेशन हमारे यहाँ से गया है, चला गया है. इस वजह से जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन नेचुरली हम पे हमारे सर पे आ गया है और जो कि लोगों को समझ नहीं आता है. तो मुझे लगा कि हमको लगा कि ये प्ले करना बहुत ज़रूरी है, इस प्ले को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है. एंड लेट मी टेल यू, वी डिड दिस प्ले इन इंग्लिश ओनली बिकॉज जिस तरह का स्ट्रक्चर प्ले का था और जिस तरह के एक्टर मुझे चाहिए थे, उसको मैंने कहा कि इसको ज़रा इंग्लिश में ही करेंगे. और दूसरी बात ये भी थी बिकॉज आई वी ऑल्सो वॉन्टेड दिस प्ले टू, देखिए जो मैं शुरू से कहता हूँ, आई वॉन्टेड दिस प्ले टू बी सीन बाय द पीपल. बिकॉज अल्टीमेटली आप प्ले में आजकल जो है इकोनॉमिक्स का अगर आप देखेंगे, पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च करते हैं उस प्ले को, उस पैसे को कम से कम आप एक्टर को पैसा ना दो लेकिन रिकवर तो करो पैसा. तो वी डिलिबरेटली कॉन्शियसली टूक अ डिसीजन कि हम इसको अंग्रेजी में ही करेंगे. तो क्या हुआ कि जब हमने प्ले किया, प्ले हो गया एंड इट वॉज रिएक्शन वॉज रिमार्केबल. आई विश मैं प्रत्यक्ष रूप से हम आपसे जब जम्मू में कभी मिलेंगे तो हम आपको, मैं आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शन, जो ऑडियंस के रिएक्शन थे. उन्होंने कहा कि ये हमको तो पता ही नहीं था. ऐसी प्रेग्नेंट औरतें भी आई हमारी ऑडियंस में जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा आपने हमारी बात कही, ये तो इट इज़ सो ट्रू. सो इस तरह के नाटक हम चुनते हैं, हमने किए हैं. जैसे कि अभी अभी रिसेंटली एक और नाटक है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है शब्द लीला. क्योंकि क्या है कि देखिए सब्जेक्ट्स आपके चारों तरफ है, शब्द लीला है. कि मुझे हमेशा ये मुझे अभी भी ये चीज़ परेशान करती है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उस युद्ध के खत्म होने के बाद एंड जब था, उसके बाद मैं इन सारे कैरेक्टर्स की जो जिंदा रह गए बाद में, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, वॉट दे मस्ट बी थिंकिंग. आई एम स्टिल ग्रोपिंग विद द आइडिया, वी आर स्टिल ग्रोपिंग विद द आइडिया, वी वॉन्ट राइट अ प्ले अबाउट ओनली अबाउट दैट दैट मोमेंट वेर द बैटल इज ओवर एंड नाउ वॉट आर दे थिंकिंग, हैव दे लॉस्ट और हैव दे वन और वॉट हैज हैपन. ये हम सोचना चाहते हैं, हम इसके बारे में मतलब नाटक करना चाहते हैं. इस दौरान
मैंने ड्रामा स्कूल में एक कविता पर डॉक्टर धर्मी भारती की एक लॉन्ग मतलब लॉन्ग पोइम है, मतलब कनुप्रिया। वो कनुप्रिया का नाटक मैं उसको स्टेज पे करना चाहता था, पोइट्री है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे कैसे मतलब आयाम अलग अलग आते हैं, आप कर सकते हैं और उनका अपना पर्पज़ है। तो कनुप्रिया करना चाहते थे, तो कनुप्रिया तो इलाजी मतलब शी इज़ अमेजिंग एज ए राइटर, शी इज़ रियली इनक्रेडिबल। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, उन्होंने पता नहीं कहाँ से पढ़ी एक और किताब पढ़ी, बिकॉज देखिए मैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने कहाँ से एक साहित्यिक के प्रेम पत्र, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपनी प्रेयसी पुष्पा भारती जी को पत्र लिखे थे, वो पढ़ी। उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे, मैं कनुप्रिया को, अंधा युग को और एक साहित्य के प्रेम पत्र को कंबाइन करके एक नया नाटक लिखूंगा जिसका नाम होगा शब्द लीला, शब्दों की लीला। तो हम बैठ गए, हमने देखा, उन्होंने प्ले मतलब तैयार कर दिया, मैं जुट गया उनके साथ में, किया तो एक नया नाटक किया जिसमें अंधा युग, एक साहित्य के प्रेम पत्र और कनुप्रिया की पोइम है, उसको कंबाइन करके हमने शब्द लीला किया। एंड द रिएक्शन वॉज रिमार्केबल। हिंदी का मुझे लगता है कि ये हमारा बहुत ज़रूरी काम था, हिंदी अपनी हिंदी भाषा के लिए, क्योंकि भारती जी को मैं बहुत मानता हूँ। मुझे लगता है कि अंधायुग वाहिद एक ऐसा नाटक है जो कि जिसको क्लासिक कह सकते हैं मतलब हिंदुस्तान में, अगर उसके उसके बाद कोई क्लासिक मतलब हिंदी थिएटर में तो लिखा नहीं गया आज तक, ये मैं आपको कह सकता हूँ पूरी मतलब शाइस्तगी के साथ। उसके बाद बने अंधायुग जैसा क्लासिक को देखा नहीं मैंने आज तक। तो इस तरह से मतलब मेरे कहने का मतलब इस तरह से सब्जेक्ट्स बनते हैं आप, और ये जब आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो तब जैसे कि अभी अभी हमने मतलब ऐसे ही वेबिनार में हमने हमारे ग्रुप के लोगों ने, इलाजी ने और अभिषेक पांडे जी ने, उन्होंने रश्मि रथी पढ़ा, तो मैंने जब वो प्रोग्राम देखा सुना तो मुझे लगा कि नहीं यार इसको तो स्टेज पे करना चाहिए, तो हमने काम शुरू कर दिया, स्टेज पे उसको करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक देखिए इस चक्कर में मत पड़िए। देखिए मतलब आप नाटक कहीं, दूसरी बात, आप नाटक कहीं भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ है कि नाटक कहाँ करना है कैसे करना है, प्रोसिनियम है हमारे पास, प्रोसिनियम थिएटर है, प्रोसिनियम में कर सकते हैं आप, ओपन एयर में कर सकते हैं आप, किसी भी स्पेस में नाटक कर सकते हैं। और स्पेस सबसे बड़ी चीज़ है, टेक चैलेंजिंग स्पेसेस, ले लीजिए आप चैलेंज ले लीजिए स्पेस का, क्योंकि क्या है जैसे कि पुराना किला में अलका साहब ने तुगलक किया, सुल्तान रजिया किया, ऐसे ऐसे नाटक किए, और जो आइकॉनिक प्लेस हैं जो हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी ऐसी मोमेंट्स है जो जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, उन प्लेस में हमने काम किया। स्पेसेस को ले लीजिए, स्पेस आपको अपना रास्ता खुद बनाएगी, आपको अपना रास्ता खुद समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे हमको करना है। तो कहने का मतलब फिर मैं मतलब निचोड़ के, क्योंकि टाइम भी हो गया, निचोड़ के ये बात करना चाहता हूँ मैं आपको कि भाई आप विजन जो है, पहला जो काम है आपका विजन का वो है आप नाटक करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ये पहला स्टेप है विजन का। दूसरा स्टेप जो है आप जो है आप भारती नमस्कार, तो वीके रैना जी नमस्कार। दूसरी बात ये है आप नाटक वो कीजिए जो आपके लोग समझ सके, जिसके साथ आपका, जिनके लिए जो ऑडियंस आपकी है, जिन लोगों के लिए आप नाटक करते हैं वो उनसे जुड़ सके, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कहानी लीजिए उसको अडेप्ट कीजिए ना आप, आपको कोई ये नहीं है कि आप मतलब मजबूरी है कि आपको ऐसे ही करना है वैसे करना है, नहीं, आप अगर को आप अगर आपको लगता है कि ये कहानी कहनी है, ये कहानी मुझे कहनी ज़रूरी है, तो उस कहानी को लेके उसको अपना अपने परिवेश में डालिए, उसको अडेप्ट कीजिए और उस परिवेश में करके उस नाटक को कर लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ये जो नाटक थिएटर इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट अवर पीपल, और अगर वो कम्युनिकेशन ही फेल हो गया, अगर हमने 3 महीने मेहनत की और बहुत कुछ तामझाम किया, रिहर्सल किया, बहुत कुछ तकलीफें सी, उसके बाद वो जो बात हम कहना चाहते हैं वो बात जो है वो नाटक वो ऑडियंस तक पहुँच नहीं पाई, तो सारा मतलब पर्पज़ ही फेल हो गया ना, थिएटर का काम करने का पर्पज़ फेल हो गया। तो इसलिए पहला जो एडवांटेज आपके पास रहेगा वो आपकी भाषा रहेगी, आपकी भाषा रहेगी और वो बहुत ज़रूरी है, और वो करते रहिए, जो कि नटरंग कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है, मैं बार बार आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आप लगातार कर रहे हैं, आप विजन क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। बालवंत जी हमको विजन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे लिए विजन है, आपने मुझे रास्ता बताया है, और ये मतलब एक डेस्टिनी है, बिकॉज आई एम स्टक इन बॉम्बे एंड बट इट्स नॉट दैट आई एम नॉट डूइंग थिएटर देयर, आई एम डूइंग थिएटर देयर, आई एम डूइंग रेगुलर थिएटर देयर, आई एम डूइंग माई वे, आई एम ट्राइंग टू सी वॉट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सुनील नमस्ते,
मतलब मैं जो करना चाहता हूँ, हम जो करना चाहते हैं, हम जिस परिस्थिति में, हम जिस परिवेश में काम कर रहे हैं, उस परिवेश में हमको क्या कहना है, किन लोगों को, किन किस ऑडियंस को कहना कहना है, वो हम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये उन बच्चों को कह रहा हूँ जो कि यंग बच्चे आपके साथ हैं, जो कि चाह कर रहे हैं कि भाई वो एक्टर बने, एक्टर बनना है तो दोस्तों एक्टर बनो, लेकिन ये याद रखो कि अगर आपके पास सस्टेनेंस के लिए कोई दूसरा जरिया है तो आप बहुत सक्सेसफुल एक्टर बन जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे और काम करेंगे। यू नो, अगर आप एक्टर बनने के, अगर आपको ये गलतफहमी है कि एक्टर बनने के लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा, जाते हैं, ऐसी बात नहीं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास टाइम है, आप ड्रामा स्कूल ज्वाइन कीजिए, एडमिशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब, बिकॉज ये वो तो मतलब सौभाग्यशाली होंगे जिनको ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन जो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो पिछले 10 साल से बलवंत जी के साथ काम कर रहे हैं, उस 10 साल से काम कर रहे हैं एक ऐसे डायरेक्टर के नीचे काम कर रहे हैं, उसके अलावा क्या ट्रेनिंग, वॉट एल्स, नथिंग विल, इससे ज़्यादा ड्रामा स्कूल या कोई भी स्कूल आपको दे नहीं सकता है। लेकिन ये तब है जब आप कंसिस्टेंट है, आप बलवंत जी के साथ लगातार काम कर रहे हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव मिलेगा। और जब आप अपना काम करना शुरू करेंगे, मैं कहता हूं कि आप अपना रास्ता चुनिए, बलवंत जी से जो सीखा उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, अगर आपके पास कोई नया रास्ता समझ में आता है। दिस इज़ वॉट माई गुरु टोल्ड मी, मेरे गुरु ने मुझे यही कहा जो यहाँ से सीखा है। लोग सोचते हैं कि ड्रामा स्कूल में कुछ नहीं सीखा, ड्रामा स्कूल में ये होता है, ड्रामा स्कूल में रेजिमेंटेशन होती है लैंग्वेज की, विच इज़ ऑल रबिश, इट्स अ बिग क्रैप, ये रबिश है। क्योंकि क्या है, जो मैंने ड्रामा स्कूल में सोचे, मैं मतलब सीखा है, मैंने उसको कभी रिपीट नहीं किया। आई क्रिएटेड माई ओन लैंग्वेज, आई क्रिएटेड माई ओन वे, आई डिसाइडेड माई ओन प्लेस वॉट आई हैव टू डू। तो ट्रेनिंग से आप जो जब आप ट्रेन करते हैं, आप एक डायरेक्टर के नीचे काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, आपको एक रास्ता मिलता है, आपको अपनी स्किल्स को हॉन करने का मौका मिलता है, उसके बाद रास्ता आपको खुद चुनना है। आपकी विजन अगर है कि मुझे गांव गांव जाकर लोगों के साथ नुक्कड़ नाटक करना है, तो वो आपका विजन है, कर लीजिए ना, क्यों नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। विजन आपको अपनी चुननी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपके गुरुजन जो है वो आपको रास्ता बताते हैं, समझाते हैं। देखिए ना, ये अब ट्रेनिंग हो गई, अब ट्रेनिंग हो गई, जैसे कि म्यूजिक में एक गुरु का शिष्य होता था, गुरु के घर में बैठा रहता था, वो मतलब गुरु अपना अपना रियाज करता था, शिष्य बैठा रहता था, वो सीख लेता, तो बड़े बड़े सिंगर्स निकले, वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए, हर एक आदमी को इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं। तो आप इससे अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, लेकिन ये है कंसिस्टेंटली काम करना, पैशनेटली काम करना, ईमानदारी से काम करना, एक ही जगह काम करना, यह बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप एक लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, आप अपनी लैंग्वेज क्रिएट कर नहीं सकते, आप अपना विजन क्रिएट कर नहीं सकते। जब तक देखिए, अभी आजकल बलवंत जी आपको सिखा रहे हैं, उनका एक मतलब मीडियम, उन्होंने एक मेल्यू चुना है, उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज चुनी है और आप उस लैंग्वेज में आप काम करते हैं। और अगर आपको कल को जब आपको लगेगा नहीं यार, ये मेरे पास कुछ और है कहने को, आई एम श्योर कि जब आप बलवंत जी से बात करेंगे, उनसे आप कहेंगे कि मुझे ये करना है, ही विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू, ओके डू, फाइंड आउट अ वे एंड लेट्स फाइंड सम डिफरेंट वे, डिफरेंट मीडियम टू एक्सप्रेस आवर सेल्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंसेस। तो ऐसा कोई रोक नहीं है, आपको अपना रास्ता खुद मिलेगा, जिस तरह हम कर रहे हैं, हम जो है वही कर रहे हैं ना, हमने इलायची ने 3 नाटक तो ओरिजिनल लिखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास ग्रुप में कोई राइटर नहीं है, हम नाटक जो लिखे गए हैं उन्हीं को अडेप्ट करते, उन्हीं को करते हैं, लेकिन हमारा स्टाइल, हमारा वे ऑफ फंक्शनिंग, हमारा नाटक करने का ढंग, हम किस तरह से नाटक करना चाहते हैं और हम किन के लिए नाटक करना चाहते हैं, ये भी विजन का एक हिस्सा है। और ये भी यहीं से आपको रास्ता दिखेगा। हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम मैं मिलूँगा फॉर अनदर, मे बी, मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मतलब हालांकि अभी अभी मुझे बिफोर आई स्टार्टेड किसी ने मुझे मुझे पूछा कि भाई ये जो के रहना है ये ओल्ड हो गए हैं कि या ये अपने गेटअप में है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मैं ओल्ड नहीं हूँ, आई एम स्टिल 16 ईयर ओल्ड, ये जो है ये गेटअप ही समझिए आप, क्योंकि हम तो एक्टर हैं, हम तो कभी भी 16 साल से 70 साल की उम्र में कभी कुछ भी कर सकते हैं, हमारी वी आर एजलेस, तो हम बूढ़े नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसा मौका मिला दोबारा मुझे आपके साथ प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने बात हुई, बात करने का मौका मिला, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आपको बताऊंगा कि भाई आपने भी खुद अपने लिए कुछ ज़रूर कुछ तलाश किया होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो मैं बताना, एक्टरों को ये, इसके बाद मैं मतलब ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्टरों को एक गलत फहमी होती है कि वो उनको लगता है कि भाई ये जो हम एक्टर हैं कि हमको हम डायलॉग बोलते हैं स्टेज पर, हो गया, नहीं, एक्टर अच्छा एक्टर बनने के लिए,
एक शानदार एक्टर बनने के लिए आपके पास इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं जब नाटक करता हूँ, जैसे उस दिन इला जी ने कहा कि मतलब यस आई विल टेक सम क्वेश्चंस आफ्टर आई जस्ट फिनिश, भलो आई विल जस्ट फिनिश आई विल टेक सम क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं इतना टाइम 4 घंटे की रिहर्सल पे 8 घंटे लगाता हूँ, सुनील पलवाल मस्ट बी विटनेस टू दिस, आई आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई ट्राई टू टॉक टू पीपल, आई वॉन्ट टेल दम वॉट द प्ले इज ऑल अबाउट, आई वॉन्ट एवरीबडी टू रीड द प्ले फर्स्ट, रीड द प्ले फर्स्ट, नॉट ओनली दिस प्ले वॉट यू आर डूइंग, रीड अदर 4 प्लेज ऑफ दैट प्ले राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द विजन ऑफ द राइटर, वॉट ही इज वॉन्टिंग टू से, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड एक्टर। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। अब अगर किसी के पास कोई सवाल, अविनाश जी नमस्ते, विकास डोगरा जी, मुझे उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो बात है वो ऐसे उल जुलूल नहीं रही, कुछ आपको अच्छा लगा होगा उसमें। अगर आपके पास कुछ सवाल है, वैसे मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया, लेकिन अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, सवाल पूछे, मैं उसका जवाब अगर दे सकूँ तो आपको दे दूंगा। है कोई सवाल? लगता है कि सवाल किसके पास है नहीं, सबके सवालों के जवाब मैंने दे दिए, तो अगली बार जब मैं जम्मू आऊँगा आपके साथ बैठूंगा, बलवंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेशन हमारे साथ रहे, मेरे और इलाजी के साथ रखें, आपके साथ हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि थिएटर, ये तो हम हमारी कोरोना ने हमको फंसा दिया, जब तक सी थिएटर और एजुकेशन, थिएटर को पढ़ाना और समझाना जब तक प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने नहीं हो सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है। ये तो हम कर रहे हैं काम, क्योंकि मुझे लगता है कि स्क्रोल द क्वेश्चन, सर प्लीज हैव अ विजिट टू योर मदरलैंड, ऑफकोर्स आई विल, आई ऑफकोर्स आई विल, आयाश आई विल डेफिनेटली, आई हैव सीन योर प्लेज विद वीरेंद्र राजन, आयाश वंडरफुल, एंड आपने नॉस्टैल्जिया में डाल दिया मुझे कल कि कहाँ कहाँ से हमने शुरू किया और कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। एक एक्टर को राइटर भी होना चाहिए क्या? जरूरी नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, राइटर होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्टर को समझ होनी चाहिए प्ले पढ़ने की। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, एनालाइज करना सीखो, वो जरूरी नहीं कि आप राइटर हो। सही कह रहे हैं सर, अच्छा इंसान बनना, अच्छा बहुत जरूरी है अच्छा इंसान बनना, ये तो बहुत जरूरी है। अब अच्छा इंसान नहीं है तो अब जो है, कोई मुझे पूछा है कि मैं डायरेक्ट फिल्म कब करूँगा, अगर आप मुझे प्रोड्यूसर देंगे मैं कल शुरू करूँगा फिल्म बनाना, मैं सच्ची बात बताऊँगा। आई वी बीन ट्राइंग एक्चुअली टू डू अ फिल्म, देयर आर कपल ऑफ प्लेस विच वी वॉन्ट टू फिल्माइज, बिकॉज हमको लगता है कि वो फिल्म मतलब उन पर अच्छी फिल्म बन सकती है, लेकिन वही समस्या है कि मतलब फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है। मतलब वो शेर आता था, फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है, सवारी हो के भी ये हाथ फैलाया नहीं जाता। तो हम किसी के सामने भीख तो मांग नहीं सकते, बहुत भीख मांगी हमने, थिएटर में अभी भी मांग रहे हैं, और थिएटर के लिए भीख मांगना अच्छा लग रहा है, फिल्म के लिए भीख मांगना इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो और कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिए। एक सवाल, आप अगला नाटक मेरे साथ कब करने वाले हैं? सुनील, तुम पहले कोरोना को हटाओ ना, मतलब 3 प्लेज मतलब बिल्कुल लाइनअप है, इलाजी परेशान हो चुके हैं, तो करेंगे ना अभी तो ये। आई मस्ट टेल यू, बिकॉज बार बार मैं कहना चाहता हूँ, सुनील जो आपने पैदा किया ना, एक्टर इज अ ब्रिलियंट एक्टर, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ही गेव इन हडा गावलर, बहुत ही ब्रिलियंट। अभी तो उसके नाटक के शोज करेंगे सुनील, उसके बाद आगे के 3 प्लेज मतलब लाइंड अप है, आप आ जाओ, अब नाटक हम शुरू करेंगे। एक सवाल, आप अगला नाटक, हाँ ये तो हो गया, सवाल का जवाब मैंने दे दिया, आ जाओ तो हम करेंगे। यस मायंक, यू लव मी, सबोध पटनायक, हाउ डू यू स्प्रेड अ थिएटर फॉर मासेज हु आर नॉट एक्सपोज टू मॉडर्न प्लेज एंड स्टाइल? इसी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये मैं अपनी सारी बात में मिस कर गया था। लोग ये कहते हैं कि कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, कॉमेडी को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पहला है, जो पहला स्टेप आपको है, आपको ये देखना है कि नाटक जो है, आपको वो नाटक करना है जिससे दर्शक आपको देखने आए, ये पहला स्टेप है। आप चुनिए, आप ये है, आप स्टाइल में क्यों जा रहे हैं, आप फॉर्म में क्यों जा रहे हैं, आप इस इंटेलेक्चुअल बुलशिट में मत जाइए, आप वो नाटक कीजिए। देखिए, पहला जो काम है, जो विजन की बात हो रही है, पहले विजन में हमारे हिंदुस्तान में लोगों को ये समझाना है, नाटक आओ और देखो, और नाटक पैसे खर्च करके देखो। उसके लिए अगर हमको एक लाइट हार्टेड कॉमेडी करनी पड़ेगी, एंटरटेनिंग प्ले करना पड़ेगा, कोई गुनाह नहीं है, कहीं कभी शर्म मत कीजिए। और लोग कहेंगे अरे यार नाटक है तो हंस रहे हैं लोग, हंसने दो ना। मैं बताना चाहता हूँ, हंसना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, लोग हंसते नहीं हैं, लोग हंसना भूल गए हैं दोस्त,
लोग हंसना ही भूल गए हैं। इसलिए अगर आप एक एंटरटेनिंग नाटक कर रहे हैं, एक कॉमेडी कर रहे हैं जिससे लोग हंसे, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए। क्योंकि कम से कम जो लोग 500 लोग जो उस दिन नाटक देखने आए होंगे, घर में रिलैक्स फील करेंगे, अपनी वाइफ से अपने बच्चों से अच्छी तरह से बात करेंगे, दिट विल बी अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके बाय।